हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं जवाहर यादव और आज हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। किस टेंस के बारे में? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। यहां पर नोट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान को जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो उसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में गा घी गे, यही तीन शब्द आएगा, गा घी गे आदि शब्द आता है तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्या आता है? गा घी गे, इसमें से कोई आएगा तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, तो देखिए यहां पर गा आ गया, ठीक है, गा आ गया था तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हम क्रिकेट खेलेंगे, तो खेलेंगे तो यहां भी गे आ गया, अर्थात यह वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई होप कि आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान को समझ गए। इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, वाक्य अंत में देखना है गा की कोई अंश है, ठीक है। तो पहचान हो गया, आ गया सहायक क्रिया, ठीक है। तो इसकी सहायक क्रिया जो है विल है, मॉडर्न इंग्लिश में इस समय जो है विल रह गया, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल, पहले जो है इस टेंस की सहायक क्रिया जो है वो शैल भी आता था, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में अंग्रेजी के विद्वानों ने इसको खत्म कर दिया है, शैल जो है खत्म हो गया है। जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड है एक ही, उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक ही सहायक क्रिया रह गया है विल, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया भी आप लोग जानते हैं क्या है, विल। तो जब एक ही सहायक क्रिया है भी तो सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब दो सहायक क्रिया रहता है तो उसमें ध्यान देना रहता है कि कहां एक का प्रयोग करे कहां दूसरे का प्रयोग करे, ठीक है। इसमें एक ही सहायक क्रिया है तो इसका जो है कोई करता रहेगा विल लगा देंगे, मुख क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसमें आज भी नहीं लगाते हैं तो सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम सूत्र लिखवाते हैं। अब आइए नोट करिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव भी कहा जाता है और पॉजिटिव भी कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसका सूत्र लिख लीजिए, फॉर्मूला। सबसे पहले जो है कर्ता को लिखते हैं, यानी कर्ता नहीं सब्जेक्ट, सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद विल लिखते हैं, ठीक है, प्लस मुख क्रिया। स्टूडेंट ध्यान रखना कि जहां सिर्फ मुख क्रिया लिखा रहता है वहां फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। जहां मुख क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहता है वहां मुख क्रिया लिख देते हैं, जहां सेकंड फॉर्म रहता है वहां लिखवा देते हैं मुख क्रिया का सेकंड फॉर्म, जहां थर्ड फॉर्म रहता है वहां लिखवा देते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां आईएनजी लगता है वहां पर आईएनजी लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर मुख क्रिया केवल लिखा है, इसका मतलब आप लोग यह समझिएगा कि यह फर्स्ट फॉर्म केवल लिखेगा, ठीक है। तो साधारण वाक्य का सूत्र क्या है? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद विल, उसके बाद मुख क्रिया, फिर अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाय दूध देगी, गाय दूध देगी, तो यहाँ देखिए घी आ गया ना, आ गया, अर्थात यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। खड़ी पाई लगा है और इस वाक्य में कहीं नहीं नहीं है, अर्थात यह साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का सूत्र कर्ता, तो कर्ता कौन है? गाऊ। कब हो गया, उसके बाद क्या लिख देंगे? विल। फिर क्या लिखेंगे? मुख क्रिया देगी, गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया दूध, एम आई एल।
दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, एक बार आप लोगों को ध्यान देना है, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, इसमें देखिए ये आ गया, अर्थात ये अभी फ्यूचर इंडिकेटिव टेंस का वाक्य हो गया, साधारण वाक्य है, तो ये क्या करता करता और ई के साथ ही उबिल ही लगा है, ठीक है। उसका जाएंगे का गो और आगे साथ है टू मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, आपके सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम फिर आगे का निगेटिव सेंटेंस बतला दें। तो आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको अब आप ले कर रहे हैं। अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी ई, निगेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं आ जाता है या कभी नहीं आ जाता है तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य हो जाता है। नकारात्मक वाक्य का भी सूत्र वही, बस फॉर्मूला समझ लीजिए, करता प्लस बिल, इसके बाद जो है यही बगल में नॉट बढ़ा देंगे, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। बिल के बाद नॉट लगा देंगे, प्लस अनुक्रिया प्लस अनुसर, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम फल नहीं खाएगा, क्या है, राम फल नहीं खाएगा, ठीक है, राम फल नहीं खाएगा। यहाँ गा है आ गया, अर्थात यह फ्यूचर इंडिकेटिव टेंस का वाक्य है, नहीं आ गया वाक्य में अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस, तब इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के फार्मूले। तो इसमें सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, राम, राम, उसके बाद विल लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर वो क्या खाएगा, ईट, फिर अन्य सब फल फ्रूट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। तीसरा एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ठीक है, तो इसमें आई करता हो गया, उसके बाद विल, फिर नॉट और खेलना का प्ले हो जाएगा, पी एल ए वाई, अन्य शब्द है क्रिकेट, सी आर आई सी ए ई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। सबसे पहले करता, तो करता कौन है, आई, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, फिर प्लस मुक्रिया, मुक्रिया खेलूंगा, तो प्ले, अन्य शब्द क्या है, क्रिकेट। तो इसको भी बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही पड़ेगा वैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आई होप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम कुछ वाक्य आप लोगों को अभ्यास के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग अभ्यास करिएगा, जो नियम बताए जो सूत्र बताए उससे बनाइएगा, 100% बनेगा, 1% भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पांच वाक्य नोट कर लीजिए आप लोगों का अभ्यास के लिए, वह स्कूल
चपरासी पांच वाक्य आप लोगों को अभ्यास के लिए है। इसको बनाने से पहले कोई सूत्र देख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंसों के वाक्य हैं। उनको अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आवाज़ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगला वीडियो में आपसे हम निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देंगे। थैंक यू।